दोस्तों किसी भी मोबाइल को फुल अपडेट कैसे करना है इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप किसी भी कंपनी का फोन यूज कर रहे हो, इस वीडियो को देखकर आप अपने फोन को आसानी से अपडेट कर सकते हो। क्योंकि अपडेट करने का क्या फायदा होता है कि अगर आपका फोन पुराना भी हो जाता है तो जो आपका फोन है वो कभी भी हैंग नहीं होगा और जो आपके फोन का बैटरी बैकअप है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आपने अक्सर एक चीज नोटिस किया होगा कि जितना हमारा फोन पुराना होता है उतना जल्दी हमारा फोन हैंग भी होता है, लेकिन अगर आप अपने फोन को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहोगे तो जो आपका फोन है वो कभी भी पुराना नहीं होगा और कभी भी आपका फोन हैंग नहीं होगा, बिल्कुल नया जैसा आपका फोन रहेगा। क्योंकि अपडेट करने के बाद क्या होता है ना कि हमारे फोन में नए नए फीचर्स आते हैं, नए नए सेटिंग्स आते हैं, जिसे यूज कर आप अपने फोन को बिल्कुल मेंटेन कर सकते हो, बिल्कुल नया जैसे अपने फोन को रख सकते हो। तो यहाँ पर कैसे अपडेट करना है वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, जरा सा भी वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन को फुल अपडेट कैसे कर सकते हो ताकि जो आपका फोन है वो बिल्कुल नया जैसा रहे और कभी भी आपका फोन हैंग ना हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर में आपको नोटिफाई करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी आपके फोन में कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे ऊपर में आपको नोटिफाई करेगा सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम से कि भाई आपके फोन में नया अपडेट आ चुका है, आप अपने फोन में अपडेट कर लो। अगर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है अबाउट डिवाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको अबाउट डिवाइस के अंदर चले आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू अपडेट के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट का ऑप्शन आएगा और नीचे में आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप अपने फोन को अपडेट करोगे तो आपको अपने फोन के बैटरी को 50% से ऊपर रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके फोन का बैटरी 50% से नीचे रहेगा तो आपका जो फोन है वो ऑन भी नहीं होगा। ये बहुत लोग के फोन में मैंने देखा है कि वो अगर अपने फोन को अपडेट करते हैं और उनके फोन का बैटरी कम होता है तो उनका फोन ऑन भी नहीं होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप अपने फोन को अपडेट करो तो अपने फोन को आप चार्जिंग में मत लगाना, ठीक है, क्योंकि आपका जो फोन है वो ओवरहीट हो जाएगा। क्योंकि अपडेट होता है हमारा फोन तो हमारे फोन की सीपीयू पर ज्यादा लोड पड़ता है और उस वक्त आपको अपने फोन को चार्जिंग में नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि आप किस चीज से अपने फोन को अपडेट करना चाहते हैं, वाईफाई से, मोबाइल डेटा से, या फिर वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों से। तो यहाँ पर हम वाईफाई सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ वेट भी लगेंगे, अगर आपके फोन में कुछ लंबा अपडेट होगा तो यहाँ पर 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा और आपके फोन में अपडेट होने के बाद कौन कौन से वर्जन आएंगे, कैसा वर्जन आएगा, वो सारा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फोन का जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। या फिर अगर आपको इसके बारे में जानना है कि कौन सा वर्जन है, कैसा वर्जन है, तो अबाउट दिस वर्जन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर उसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो या फिर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो कि कैसा वर्जन है, हमारे फोन के लिए कोई हार्मफुल तो नहीं है, वो सारा यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फोन का जो डाउनलोडिंग वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, नीचे में आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जब भी आप अपने फोन को अपडेट करते हो तो वो तो डाउनलोड होता है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फोन के अंदर उस वर्जन को इंस्टॉल करना होगा, यानी कि जितने भी नए नए सॉफ्टवेयर होंगे, सेटिंग्स होंगे, वो सारे को यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो नीचे में इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको इंस्टॉल नाउ कर देना है। इंस्टॉल नाउ करने के बाद यहाँ पर वेरीफाइंग का ऑप्शन मिलेगा, आपका फोन जितना भी है वो यहाँ पर वेरीफाई होगा और आपका फोन एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका फोन स्विच ऑफ होता है तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, नए नए आपके फोन में वर्जन आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जरा सा भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपने फोन को अपडेट करोगे तो आपका फोन एक बार रिस्टार्ट जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा फोन है वो कैसा काम कर रहा है। बिल्कुल फास्ट फोन हो जाता है और जो आपके फोन का बैटरी बैकअप है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब भी आप अपने फोन को अपडेट करते हो तो हमारे फोन में नए नए वर्जन आते हैं, उस वजह से हमारा फोन भी हैंग नहीं होता है और हमारे फोन का जो बैटरी बैकअप है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेटिंग स्टार्ट हो चुका है अपडेटिंग, और यहाँ पर कुछ परसेंटेज चल रहे हैं, ये 100% होगा तो आपका जो फोन है वो फुल अपडेट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा फोन है वो फुल अपडेट हो चुका है और ये कुछ इस तरीके से आपके फोन में ओपन हो जाएगा, और ऊपर में आप देख सकते हो न्यू वर्जन इंस्टॉलेड, यानी कि जो मेरा फोन में न्यू वर्जन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। नीचे में आपको एक एरो दिखेगा, डायरेक्टली आपको इस एरो पे टैप करना है, टैप करने के बाद जो आपका फोन है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपका फोन है वो बिल्कुल मक्खन जैसा चलेगा, कहीं भी हैंग नहीं होगा। क्योंकि इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि जितने भी न्यू वर्जन होते हैं और जितने भी आपके फोन में प्रॉब्लम होते हैं वो सारे यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। अगर आपका फोन हैंग हो रहा है, बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद जो आपका फोन है वो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। जैसा आपका फोन नया में काम करता था ना, बिल्कुल एकदम फास्ट ऐसे आपका फोन काम करेगा। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी फोन को फुल अपडेट कर सकते हो और अपने फोन को बिल्कुल नया बना सकते हो। तो यही सेटिंग्स आपको अपने फोन के अंदर करना है। ठीक है, तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो, वीडियो को लाइक कर दें, सभी तो के पास शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।